हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर एस के पाल। और अभी तक हम दो वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, नीट 2019 पेपर के सोल्यूशन के ऊपर। तो अब तक हम लगभग 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और उसको देखते हुए हम फटाफट बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 81 क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो उसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ फटाफट। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन को आराम से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रासेस लीव्स कर्व्स इनवर्ड्स ड्यूरिंग द वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्वेश्चन जो आया हुआ है प्लांट एनाटोमी से आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है प्लांट एनाटॉमी से, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है, ग्रासेस लीव के अंदर अगर वो लीव कर्ल हो जाती है इनवर्ट की तरह ड्राई वेदर के अंदर, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इसके अंदर, श्रिंकेज जो होता है एयर स्पेस इन द स्पंजी मेसोफिल। सेकंड आपको दे रखा है टाइलोसिस इन द वेसल्स। थर्ड देर का क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा एंड फोर्थ देर का फ्लेसिडिटी ऑफ बोलीफॉर्म सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है मेनली हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन है, ये होता है बोलीफॉर्म सेल्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बोलीफॉर्म जो सेल्स जो पाई जाती है वो होती है मोनोकोट लीफ के अंदर, मोनोकोट लीफ। उसमें भी स्पेशल हम बात करते हैं ग्रासेस के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, दो कंडीशन अप्लाई होती है इसके अंदर। अगर लीफ के अंदर इजीली वाटर अवेलेबल है और वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है वाटर स्ट्रेस। तो वाटर कंडीशन में प्रेजेंट अवेलेबल कंडीशन के अंदर क्या हुआ, टर्जिट कंडीशन होगी इसके अंदर, वो सेल होगी टर्जिट। और वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर कंडीशन क्या होगी, फ्लैसिड। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वो टर्जिट है तो उसका एरिया क्या होगा, एक्सपोज होगा। वो अपने लीफ के एरिया को एक्सपोज रखेंगे हमेशा, एक्सपोज लीफ सरफेस, ठीक है। और अगर हम फ्लैसिड की बात करें, पानी की कमी की वजह से क्या होगा, वो सेल फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड होने की वजह से और वाटर लॉस ना हो तो उस वजह से क्या होगा, सीधी सी बात है, वो लीफ क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है। वो लीफ जो होगी वो कर्ल हो जाएगी इनवर्ट, ठीक है। हमको यही पूछ रखा था इसके अंदर, ग्रासेस लीफ जो होती है कर्ल इनवर्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये आपके सामने आंसर है, फ्लैसिड कंडीशन की वजह से क्या हो जाती है वाटर स्ट्रेस होने की वजह से, ठीक है। और ये किस में चलता है, ये चलता है बोलीफॉर्म सेल्स के अंदर। तो फ्लैसिडिटी होता है बोलीफॉर्म सेल्स की वजह से क्या होता है, ऐसी कंडीशन लागू होती है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 82, ठीक है। 82 क्वेश्चन जो है हमारे को दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर दे रखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। दे रखा इसके अंदर, एक तो आपको दे रखा वॉल्यूम टाइटल वॉल्यूम, दूसरा आपको दे रखा इसके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोनों के वैल्यू भी आपको दे रखी है, टाइटल वॉल्यूम जो होता है 500, टाइटल वॉल्यूम जो होता है दिया है एनसीईआरटी मेंशन है 500, और दूसरा आपको दे रखा है एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 1000,
ठीक है, सभी को पता होगा टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, जो ली जाती है। तो हम यहाँ पर एक्सपिरेशन की हम बात करें तो नॉर्मल जो एक्सपिरेशन होगा वो क्या होता है 500 है। और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम की हम बात करें इसका मतलब क्या होता है, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है द फोर्सफुल एक्सपिरेशन ओवर द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जो वैल्यू आपकी 500 है उस पर ओवर हम ज़्यादा फोर्सफुल जो एक्सप्रेशन करते हैं, जो सांस बाहर निकालते हैं, उसका वॉल्यूम कितना होता है 1000 होता है। तो आपको दोनों को ये यहाँ पे शो कर दिया गया है ML के अंदर। तो व्हाट विल द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो आपको पूछा गया कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, इसमें आपको पूछ रखा है इसके अंदर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी। सी डी सी पे आती तो मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल ह्यूमन कितना एक्सपायरेशन बाहर कर सकता है गैसेस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल है और जो एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम है दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर कितना 1500 ml। ठीक है, 1500 ml इसका अंदर आएगा। लेकिन उसके बाद अलग से एक और क्वेश्चन दे रखा है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो होगा वो कितना दे रखा है, 1200 ml दे रखा है। ये तो ऐसे ही इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे 1200 ml है, तो फिर आप बताइए क्या होगा। तो इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ रोल जो चल रहा था 1000 ml का था, दोनों का आप जोड़ देंगे तो आपको टोटल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन है, फुल NCERT लाइट में आपको दे रखा है। और याद रखना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन डिसऑर्डर पे भी आते हैं पूरे पूरे, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन आपको दे रखा है 83, और देखते ही लग रहा है क्वेश्चन 83 जो है वो आया हुआ है कॉकरोच के ऊपर। आज क्या बात है, राइटिंग थोड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन आया कॉकरोच के ऊपर, आपको इसके अंदर क्या करना है, एक सीक्वेंस पता करना है डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड जो होता है कहाँ से किस तरफ आगे बढ़ता है सेलेक्ट तक, करेक्ट सीक्वेंस आपको जो फिर से क्वेश्चन पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस वाला, यानी कि करेक्ट एंड इनकरेक्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ, लेकिन माउथ को क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं, सीधी सी बात है। हम अगर देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग जो चलती है माउथ पोर्शन से चलती है, सही बात है, फिर हमारे पास आ जाता है नीचे की तो थोड़ा सा फेरिंग पोर्शन की बात करते हैं, इधर रफ डायग्राम है ये, फेरिंग्स के बाद बात करते हैं इसके अंदर किसकी, थोड़ा पोर्शन आएगा नीचे की तरफ इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद बात करते हैं इसके अंदर क्रोप वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होता जाएगा इस तरह से, उसके बाद हमारे पास आएगा इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा होता है, मैं पहले कह रहा हूँ भावना समझे आप, रफ डायग्राम है, और उसके बाद अपने पास आता है गिजर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा रफ डायग्राम बता देना, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले फेरिंग्स जो हम बोल सकते हैं माउथ पोर्शन, फिर हम बोल सकते हैं लगभग माउथ ऊपर की तरफ होगा, ये माउथ नहीं है सॉरी, ये वाला होगा, इसको बोलेंगे हम फेरिंग्स पोर्शन, माउथ हमने यहाँ पे शो नहीं किया। फिर अपने पास ये वाला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो होगी ईसोफेगस, उसके बाद इसोफेगस आगे जाके एक इसोफेगस के मॉडिफिकेशन से एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे क्रॉप, जहाँ पर फूड स्टोर होता है, और उसके बाद क्रॉप के बाद स्ट्रक्चर आगे की तरफ जो फॉर्म होती है थोड़ी सी मिस्टर की बनाइए, उसको बोला जाता है गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड वो पोर्शन जहाँ पर क्या होता है फूड का डाइजेशन होता है यानी ग्राइंडिंग होती है, उसको गिजार्ड बोला जाता है। तो इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो कौन सा हो सकता है, अपने पास आ रहा है पहला ऑप्शन फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, बीच में ये खा चुके हैं क्रॉप, यानी पहला ऑप्शन
नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, फिर इलियम, कहाँ इलियम पूछा जाए भाई, इलियम पहले के साथ था भी, है ना, यानी क्रोम, गिजार्ड, सब कुछ कोई मतलब ही नहीं था टाइम के लिए, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। फिर आता है थर्ड, फेरिंग, इसोफेगस, जो कि पूरा फॉलो कर रहा है क्रोम, गिजार्ड, इलियम, कोलोन, रेक्टम, ये आपका राइट है। फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, वापस से इसने क्रोम को क्या कर दिया, पीछे कर दिया, गिजार्ड पहले ले लिया इसके लिए, ये भी गलत है, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सीधी आपको भी यहाँ पे क्या करना है, एनसीईआरटी पकड़नी है और कॉकरोच पे क्वेश्चन आपको देखना है, ध्यान रखना। मैंने लिया था एक बार तो टिश्यू और कॉकरोच, है ना, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टिश्यू से क्वेश्चन आता है तो एक आता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो क्वेश्चन ना भी दे भी, ठीक है। कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच से क्वेश्चन आने के चांस जो होते हैं वो एक ही होते हैं वैसे तो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भी दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पोर्शन जो अधिकतर जो होता है कॉकरोच में सबसे इंपॉर्टेंट जो लगता है, मॉर्फोलॉजी पढ़ के जाए अच्छे तरीके से, और डाइजेस्ट सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बना देंगे, जिसमें पहचानने का भी आपको पता होना चाहिए कि मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है अभी, ना चार नंबर होते हैं इसके भी, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर जो 84 है वो क्वेश्चन आया हुआ है 12 बायो से आया हुआ है, जिसमें आपको जो फूड एनहेंसमेंट वाला जो चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चन है आपको। फिर क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट के ऊपर, देखो ज़्यादा बहुत सारी भरमार होती है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनके ऊपर या करेक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं, अपनी नज़र ऊपर रखना, कोई आंसर नहीं देखेगा, देख लिया तो अच्छी बात है, मजे लो। फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, इसके अंदर इनब्रीडिंग सेलेक्शन, इनब्रीडिंग सेलेक्शन या इनब्रीडिंग जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि बोल रखा है हार्मफुल रेसेसिव जो जीन्स होते हैं, हार्मफुल रेसेसिव जीन्स होते हैं दैट उनको सेलेक्ट किया जाता है, क्या बोल रखा है, इनब्रीडिंग सेलेक्ट से हार्मफुल रेसेसिव जीन, पॉइंट यहीं पे गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं, पढ़ना आपको पूरा है वैसे तो। सेलेक्ट से हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दे रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी जो रेसेसिव जीन जो होती है वो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को डाउन करते हैं, उसको सेलेक्ट किया जाता है, ये गलत है भाई, सेलेक्ट नहीं किया जाता है, यहाँ से पढ़ते पता चल रहा है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, द इनब्रीडिंग हेल्प्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन, बिल्कुल बात सत्य आपको दिख रही है यहाँ पर, सॉरी ये अपना गलत है ना, फर्स्ट वाला अपने पास ये ऑप्शन गलत दे रहेगा सीधे, इनब्रीडिंग सेलेक्शन हार्मफुल रिसेसिव जीन, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया, इसका मतलब भाई यही गलत दे रखा है और हमारा ऑप्शन यही राइट होगा इसके अंदर, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन, बिल्कुल बस ऐसे उल्टा ही चलता है, सुपीरियर जीन को क्या करता है, एक्युमुलेट करता है, उसको सेलेक्ट करेगा और एलिमिनेट करेगा किसको, अनडिजायर्ड जीन को एलिमिनेट करने का काम करता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इनब्रीडिंग इनक्रीज होमोजाइगोसिटी, बिल्कुल सही बात है, इनब्रीडिंग अगर हम लगातार करते जाएंगे, मतलब 4 to 6 जनरेशन लगातार करते जाएंगे तो क्या होमोजाइगोसिटी क्या होगी, इनक्रीज होगी, होगी सही बात है, और इसकी वजह से क्या होता है, कंडीशन अप्लाई होती है, उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आप बोलते हैं इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन, इनब्रीडिंग जो होता है वो बहुत जरूरी है क्या करने के लिए, प्योर लाइन डेवलप करने के लिए किसी भी एनिमल के लिए या किसी एनिमल के अंदर, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है शो कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, और वही हमको पूछा है इनका स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो कौन सा फर्स्ट होगा जो कि हार्मफुल रेसेसिव जीन को सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस चैप्टर की भी बात करें तो हाँ अभी क्वेश्चन जो होते हैं लगभग मिनिमम एक क्वेश्चन तो बन सकता है, और ज़्यादातर दो क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं भाई, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला जो क्वेश्चन आपको पूछ रखा है वो आपको पूछा हुआ है माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी चैप्टर है, और इसके अंदर आपको क्वेश्चन पहले जो मैंने देखे हैं नीट के अंदर वो मैचिंग वाले बहुत सारे पूछे जा चुके हैं इसके अंदर, और हमेशा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन जो एक दो तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, आपको करेक्ट चूज करना है कि कौन में से कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट्स है,
बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं जानना जो किसी भी, हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं दूसरे जो उनके हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म करने का काम करते हैं भैया, है ना, जो डिजीज़ फैलाते हैं, ठीक है, या किसी प्लांट को, एनिमल्स को, या किसी को, ह्यूमन को डिजीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, पहला ऑप्शन आपको दे रखा ऑसिलेटोरिया, राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा की हम बात करते हैं। तो इनमें से सीधी सी बात है, सारा राइट होना वो जरूरी है, राइजोबियम तो आपको नहीं देगा, राइजोबियम जो होता है आपको पता है ये एक तरह का बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं वो इसके अंदर जा सकता है, राइजोबियम की बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है राइजोबियम, बैक्टीरिया ये, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा राइट है लेकिन इसके अंदर ये राइजोबियम गलत है, ऑसिलेटोरिया ये भी गलत है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने में, ठीक है, ये राइट है ट्राइकोडर्मा देखा जाए तो, लेकिन ऑप्शन पूरा देखा जाएगा तो ये पूरा गलत है भाई, ये हो नहीं सकता। नॉस्टोक अगेन सही बात है, बायो फर्टिलाइजर होते हैं, एजस फिल्म की बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर होता है, लेकिन न्यूक्लियोपोलीहेटाइटिस जो वायरस है वो यहाँ पे करेक्ट चल सकता है, लेकिन यहाँ पे दो आप गलत दिख रहे हैं, नॉस्टोक गलत है और एजस फिल्म भी गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी ये गलत, ये गलत। थर्ड आ रहा है बेसिलर सुरेंजेनेसिस की हम बात करते हैं, बेसिलर सुरेंजेनेसिस बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन टोबैको मोज़ेक वायरस TMV एफिड्स की बात करने में ली, ये यहाँ पर सही नहीं है, दोनों ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, अपने बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन देखा, ट्राइकोडर्मा शायद अपन पहले ही पढ़ चुके, कोई क्वेश्चन आप आया होगा, ट्राइकोडर्मा हार्जिनम की बात करते हैं, ट्राइकोडर्मा हार्जिनम जो होता है मोस्टली जो होता है अदर जो फंगस है, अदर जो फंगस होती है उसको मारने का काम करते हैं शरीर से बाहर, ठीक है। बकुलो वायरस की बात करते हैं, बकुलो वायरस जिसका जीनस होता है न्यूक्लियोपोलीहेटस वायरस की बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे आप नाम सुना होगा इसके बारे में, न्यूक्लियो पोली हेड्रस वायरस बोला जाता है, और ये जो वायरस है पूरी फैमिली, ये जो जीनस है, ये जीनस आपको याद रखना है, इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है आगे, या बकुलो वायरस की बात करते हैं अपन, ये जो होते हैं स्पेशली आर्थ्रोपोडा को कैमिस्ट काम करते हैं, आर्थ्रोपोडा या फिर बोल सकते हैं इंसेक्ट, ठीक है। ट्राइकोडर्मा आपने पढ़ लिया, खुद एक भाई फंगस के अगेंस्ट काम करता है, खुद एक फंगस है जो किसी दूसरे फंगस को मारने का काम करती है, ठीक है, और ये जो ट्राइकोडर्मा होता है रूट में पाया जाता है प्लांट के रूट्स के अंदर। और तीसरा तरीका बेसिलस टोरिनजेनेसिस की हम बात करते हैं, ये आपको पता होगा ये हम कैटरपिलर लार्वा के लिए अगेंस्ट काम में लिया जाता है, लेकिन आजकल ये अपन याद नहीं था कैटरपिलर लार्वा के अगेंस्ट काम में लिया जाता है, और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जानना हम इसको यूज, बीटी कॉटन के खिलाफ हमने इसको यूज में लिया है, बीटी जो क्रॉप्स होती हैं जितने भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बीटी कॉटन मोस्टली हम बात करते हैं वहाँ पे इसके अगेंस्ट काम में लिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई यहाँ पे जानना, फोर्थ ऑप्शन इजीली यहाँ पे दिख रहा है, ये तीन आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल गलत है, और आपका जो राइट आ रहा है वो फोर्थ की हम बात कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा बकुलो वायरस एंड बेसिलर सुरेंजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आता है अभी, ध्यान से ये चीज़ें आप याद कर लें, एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ लें भाई, ठीक है, मैं पहले बोल चुका हूँ। क्वेश्चन दे रखा थायोबैसिलस, एक बैक्टीरिया है थायोबैसिलस, थायोबैसिलस इज द ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया हेल्पफुल इन द कैरिंग आउट, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या काम करता है वैसे डी सी, इसको ज़्यादा पता जरूरत नहीं है, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम पढ़ते हैं डी नाइट्रीफिकेशन, हम पढ़ते हैं इसके अंदर डी नाइट्रीफिकेशन, डी नाइट्रीफिकेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, तो ये जो रिएक्शन जो होता है वो कौन करवाता है, यही बैक्टीरिया कराता है, इसका नाम है
थायोबैसिलस, ठीक है। तो थायोबैसिलस जो होता है विच आर द हेल्प इन द डीनाइट्रिफिकेशन रिएक्शन इन द नाइट्रोजन साइकिल। बहुत सिंपल सा है, एक सेकंड होने वाला क्वेश्चन है। नाइट्रिफिकेशन गलत है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कीमोट्रोफिक फिक्सेशन, बिल्कुल कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना खास है ना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है प्लांट एनाटोमी से, क्वेश्चन पहले भी हो चुका है और ये भी हमारा क्वेश्चन किस तरफ से जा रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारा जा रहा है प्लांट एनाटोमी की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन वापस से चेक करो, यहाँ पे दे रखा है नोट टू, आपको पता करना, माइंड में सेटअप कर लो। नोट टू पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, एनुअल रिंग्स के बारे में पूछा गया है जो टू नहीं है, ठीक है। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, जो एनुअल रिंग्स की हम बात करते हैं, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग का जो फॉर्मेशन होता है इसका कारण क्या है, तो इसका पहली बात करते हैं, इसका कारण है एक कैम्बियम, उस कैम्बियम का नाम है वैस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम का नाम है वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वही डिपेंड करती है एनुअल रिंग को। तो वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटी, आपको पता है वेस्कुलर कैम्बियम विच आर द हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ इन, किस एरिया की बात कर रहे हैं हम, एरिया बात कर रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स की, जाइलम ऑफ फ्लेम की बात कर रहे हैं वहां की, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम पे जो ग्रोथ होती है वो दो सीजन के हिसाब से चलती है। एक सीजन की हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन, दूसरा जो होता है ऑटम, ए यू टी यू, ठीक है। स्प्रिंग को हम अर्ली, तो उसी नाम से मैं नाम भी दे दिया है, स्प्रिंग सीजन ऑटम सीजन के हिसाब से जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है जिस प्लांट के ऊपर, डाइकोट प्लांट की हम बात करते हैं, तो उसी को नाम दे दिया गया है स्प्रिंग वुड, वुड वुड नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, हम यहाँ बोल सकते हैं एक्टिविटी ऑफ द स्प्रिंग वुड, और हम यहाँ बोल सकते हैं ऑटम वुड की हम बात करते हैं, ठीक है। और इनका एक और नाम हम क्या रख सकते हैं, इनका एक और जो नाम हो सकता है इसको हम बोलते हैं एक और नाम जो है अर्ली वुड, और यहाँ उसको हम बोल सकते हैं लेट। तो दो अलग अलग सीजन की बात करते हैं, लगभग स्प्रिंग के अंदर ऑटम के अंदर हम बोल सकते हैं इसको स्प्रिंग वुड या ऑटम वुड के, नाम इसी वजह से रखा है सीजनिंग सीजन के हिसाब से जो इनके अंदर एक्टिविटी होती है वैसे कैमरे की, तो हम इसको अपन बोल रहे हैं अर्ली वुड बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं लेट वुड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी स्प्रिंग वुड के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है ना, हाईली एक्टिव होती है, और यहाँ पर लेस एक्टिव होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा, इतना डिस्क्रिप्शन नहीं बता सकता मैं आपको इतना खास, तो मैंने वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर बनते हैं लाइट बैंड, यहाँ पर क्या होता है लाइट बैंड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जो है डार्क बैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लाइट और डार्क बैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि वन ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर कितनी रिंग बनती है, दो रिंग का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जो दो रिंग की बात जो कर रहा है वो इसी स्प्रिंग वुड की वजह से जो एक लाइट बैंड बन रहा है पूरा सर्कल, और दूसरा जो होता है रिंग जो बनती है वो ऑटम वुड की एक्टिविटी के टाइम पे होता है जो कि डार्क बैंड शो कर रहा होता है। तो देखा जाए एनुअल रिंग जो होती है वो एक साल में दो रिंग बनाती, सीधी सी बात है, अब तो दो को हम बोलते हैं पूरे एनुअल रिंग, एक साल के अंदर
दो रिंग बन रही है उसको बोलते हैं। किस वजह से होता है? वैश्विक कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, मतलब डिपेंड करता है। तो वैश्विक कैम्बियम की जो एक्टिविटी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के अंदर यानी अर्ली और लेट वुड के अंदर डिफरेंट होती है। स्प्रिंग वुड के अंदर जो हाईली एक्टिव होती है, इसके अंदर क्या होती है, लेस एक्टिव होती है, अगर दोनों की कंपेयर की हम बात करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो बैंड बनता है वो एक सर्कल बनता है रिंग का, वो लाइट बैंड होता है और यहाँ पर डार्क बैंड होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो उसी के बेसिस आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और तीसरी तीन बात होगी, चौथी बात आपको मैं बता देता हूँ और आपका सारे ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे इसके लिए जो दे रखे हैं। फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर ये है कि मोर प्रोमिनेंट ये एनुअल जो रिंग्स होगी वो किसमें दिखती है। तो हमारे पास दो मेन प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं टेम्परेट, एक होते हैं ट्रॉपिकल। तो आपको मैं बता दूँ, टेम्परेट प्लांट की हम बात करते हैं, टेम्परेट प्लांट की अगर बात करें उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्लाइमेट वेरिएशन मोर पाया जाता है। जहां पर क्लाइमेट वेरिएशन ज्यादा पाया जाएगा वहां पर क्या होगा, मोर प्रोमिनेंट क्या होगी, एनुअल रिंग होगी, उसके अंदर मोर प्रोमिनेंट एनुअल रिंग पाई जाएगी। तो चौथी बात यह है कि टेम्परेट प्लांट के अंदर क्लाइमेट वेरिएशन ज़्यादा पाया जाता है। प्लांट के अंदर नहीं, टेम्परेट प्लांट जहाँ पाए जाते हैं सीधी सा वहाँ एरिया के अंदर क्लाइमेट वेरिएशन ज़्यादा होता है। जहाँ पर क्लाइमेट वेरिएशन ज़्यादा होगा वहाँ पर एनुअलिंग जो होगी मोर प्रोमिनेंटली और अच्छी खासी देखेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल प्लांट के अंदर क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता इतना ज़्यादा, तो वहाँ पर जो एनुअलिंग की जो होगी वो इतनी परमिनेंट नहीं होती। अब आ जाओ फटाफट ऑप्शन की तरफ, फटाफट एल ऑप्शन आपको दे रखा है, एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन इन क्लाइमेट। कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है, वो वेरिएशन इन क्लाइमेट को डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको बताया, हाँ बिल्कुल सही बात है, कैम्बियम की एक्टिविटी जो होती है क्लाइमेट के वेरिएशन को डिपेंड करती है, तभी आपको जो परमिनेंट है या नहीं है वो पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमको पता नहीं यहाँ पे ट्रू कौन सा नहीं है। ठीक है, दूसरा बोला कि एनोडिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन द ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, लेकिन अभी मैंने बताया टेम्परेट प्लांट के अंदर, टेम्परेट प्लांट में जो टेम्परेट रीजन के अंदर क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है तो वो प्रोमिनेंट दिखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं की बात कर रहा है। हमारा ऑप्शन जो होगा वो सेकंड ही यहाँ पर होगा, फिर भी हम तीसरा जो तौर पढ़ लेते हैं इसके अंदर थर्ड फोर्थ, एनोडिंग्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड। अभी देखो मैं बात की इस तरफ आपके कि एनुअलिंग जो होती है वो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के कॉम्बिनेशन से बनी होती है जो कि एक साल में बनती है। मैंने भी बोला ये वाली लाइन आपको पता है, वन ईयर में दो रिंग होती है और दोनों के बारे आपको बताया। ठीक है, सही बात है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम कोजेस द लाइट एंड डार्क बैंड, सही बताया कि वैश्विक कैम्बियम की जो डिफरेंशियल एक्टिविटी होती है, डिफरेंट एक्टिविटी वजह से ही आप लाइट और डार्क बैंड आपको क्या होते हैं दिखते हैं टिश्यू के अंदर, जिसको हम अर्ली एंड लेट वुड के नाम से भी, अर्ली और लेट वुड के नाम से भी क्या होते हैं जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी ध्यान में, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो घूम सकता है, उसका पता नहीं क्या होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो बिल्कुल राइट है, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम आपको दिया भी है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इसने नहीं पढ़ाया वाला टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, बहुत 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 ईजी क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन आया हार्मोन से। हार्मोन के बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हार्मोन पे जो क्वेश्चन है आता ही है, फिक्स है, वो इजी ही आता है, क्वेश्चन आता है हर साल आता है, फिक्स आएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखा, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ द पाइनएपल प्लांट, इस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएपल प्लांट। पाइनएपल प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको भाई ग्रो करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ फ्लावर्स। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉर्मोन, किस हॉर्मोन के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, आर्टिफिशियली हम इंड्यूस कर सकते हैं फ्लावरिंग इन द पाइनएपल प्लांट, पाइनएपल प्लांट की
आर्टिफिशियल अपने इंड्यूस करवा रहे हैं अपन फ्लावर को थ्रू आउट द ईयर, इनकेस उसकी यील्ड को हम इनक्रीज कर सकते हैं ताकि हमको फ्रूट्स ज़्यादा मिले पाइनएप्पल। ठीक है, तो ऐसा हम किस वजह से कर सकते हैं, सीधी सी बात, ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है हमारे को, मैंने पढ़ाया हुआ है कोचिंग के अंदर, ऑक्सीजन इथाइलिन ट्रिक वाइज पढ़ा रखा है, ऑक्सीजन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन इथाइलिन और एफिसिक एटीज की सारी ट्रिक्स बता रखी है, और ट्रिक्स की वजह से आपको कैसे फंक्शन याद करना है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीजन और इथाइलिन ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फ्लावरिंग करने में हेल्प करते हैं, बाकी जो वो नहीं करते आपको ही याद रखना है, सिंपली पढ़े। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 89 जो आपको दे रखा है, केस स्टडी, मतलब बोर्ड में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है केस स्टडी का, और यहाँ पर भी इनकी मर्जी होती है, एक क्वेश्चन दिया है केस स्टडी का। ठीक है, और हमने ये जो क्वेश्चन लिया है, हमने नहीं लिया अभी, एंटी ने दिया है, हमने तो उस क्वेश्चन को भुगता है भाई नीट एग्जाम के अंदर, क्योंकि राइट होने वाला इजी क्वेश्चन है, हमको तारीफ करनी चाहिए एंटी की, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया सिंपल सा, कि जो पॉलीबेंड है क्या होता है, यू नो दे दिया, इट इज अ फाइन पाउडर ऑफ द रिसाइकल मॉडिफाई प्लास्टिक होता है। बिल्कुल बात सत्य भाई, इसमें हम मना कर नहीं सकते भाई, हम सत्यवादी हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन बात ये की जा रही है, वो क्यों बनाया गया है, ऐसे गुड मटेरियल बनाया गया था, वो किस काम में आया था, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, सबने पढ़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, रोड के कंस्ट्रक्शन में काम में लिया गया था। आपको याद दिला दूँ कौन था इसके पीछे, मेन बंदे का नाम क्या है, क्वेश्चन ये भी तो इस तरह के हो सकते हैं ना, अहमद खान जो थे मेनली, अहमद खान, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भी थोड़ी भावना समझना मेरी, अहमद खान ने ये सबसे पहले किया था, डेवलप किया था, और इस डेवलपमेंट के लिए कहाँ की बात है, बेंगलोर की बात है, और सबसे पहले डेवलप करने के साथ उन्होंने इसके आरवी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की मदद भी ली थी इसके लिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ थी भाई, है ना, सबने पढ़ा हुआ। तो बिना देर के हम आगे बढ़ते फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो है आउट ऑफ कोर्स, हाँ बस बिल्कुल बात सत्य है, बुक में इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दे रखा है, और आप बोल सकते हैं हमारे साथ धोखा है, फिर भी मैं बोलूँगा धोखा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सहन करो आप, थोड़ा सा, है ना, हाँ सहन शक्ति रखो थोड़ी सी। आपको क्वेश्चन पूछा गया है सेल्स है, और सेल्स के पीछे वाला टॉपिक आप दे रखा था टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एकोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना उनके जो आर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन बोला जाता है। अभी यहाँ पर आपको एक दे रखा है सेंटेंस, एक शॉर्टर आर्म है, एक तो एक लॉन्गर आर्म है, किसकी होती है वो भी दे दिया, चलो सब मेटासेंट्रिक की होती है, सबको पता ही है ना, लेकिन उस आर्म्स को किस तरीके से रेफर्ड किया जाता है रेस्पेक्टिवली, यानी शॉर्टर को किससे करेंगे और लॉन्गर को कैसे करेंगे, सभी को पता होगा यहाँ पर सेंटीमीटर की पोर्शन जो होती है मेन सेंटर में नहीं होती है, क्योंकि एक जो आर्म होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है और दूसरी जो आर्म होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इस तरह का कुछ हम बोल सकते हैं, ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से दोनों ही क्रोमेटिन आर्म की जो डिस्टेंस है भाई, वो जो साइज है वो एक छोटी है एक बड़ी है, तो ये है स्मॉल है और ये है लॉन्ग है। ठीक है, तो कुछ नहीं, अब सहन शक्ति आपने रखी हुई है, तो आप क्या करो इसके अंदर बस सीधे से याद कर लो, इसको बोला जाता है पी आर्म, इसको बोला जाएगा पी आर्म, इसको बोला जाता है क्यू आर्म, क्यों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसा वैसे लिखना पड़ेगा हमारे को, ये क्यों आम है। ठीक है, बस खत्म कर आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, इतना याद रखना है, बार बार क्वेश्चन नहीं आएगा, अगली बार नहीं आएगा टेंशन मत लो, अगली बार कहीं आएगा तो हायर एग्जाम में आ सकता है भाई। ठीक है, नेट वेट में याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, शायद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पिछले बार वीडियो में हम फंगस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया है वो है वायरस, वायरॉइड्स और ऑप्शन एक प्रियॉन्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पोर्शन, जो कि सप्लीमेंट्री के अंदर एड किया गया, ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, वायरस, वायर्स और प्रियॉन्स, इस पे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, पढ़ लो, मैं पहले से बता रहा हूँ, भोजनों को भी क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ें।
देख लो वापस से भाई, इनकरेक्ट पूछा गया है भाई, इनकरेक्ट। और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगी तो आपके भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ भाई, ठीक है। और नहीं हो तो भी मेरे को माते मत देना भाई, खुद पढ़ के नहीं जाओगे तो मेरे माते ही दोगे। तो हम बात करते हैं इसके अंदर इनकरेक्ट की बात करें, इसके अंदर पहला आपको ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, सब नीचे पहले देखते हैं मैं कल से। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस सेस इज द प्रोटीन कोट, बोला कि इन वायरस के अंदर जो प्रोटीन कोट होता है वही एक इन्फेक्टेड कंस्टिट्यूएंट होता है, ऐसा थोड़ा होगा कभी क्या भाई। पहला ऑप्शन ही क्या हमारा जो सेंटेंस दे रखा वो गलत है, इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर यही है सीधी सी बात, ठीक है ना, कि वायरस के अंदर कभी भी इन्फेक्टेड कंस्टिट्यूएंट जो होता है प्रोटीन कोट नहीं होता है। वो क्या हो सकता है, वायरस के अंदर मोस्टली पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए पाया जाता है और वही होता है इन्फेक्टेड पोर्शन, ठीक है, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड हो या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। सेकंड दे रखा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ना, सप्लीमेंट्री पोर्शन के अंदर बहुत सारे पोर्शन ऐड किए गए टॉपिक्स, उसको पढ़ना ना भूलें भाई, ठीक है। प्रियॉन्स के बारे में दे रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, नहीं पढ़ा तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ जो ले रखा है अपने बुक के अंदर। प्रियॉन्स जो होते हैं जानना उनके अंदर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्रियॉन्स के अंदर नो एनी जेनेटिक मटेरियल, ध्यान सुनना मुझे, मैं कहना चाह रहा हूं प्रियॉन्स के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, यानी कि कोई ना तो डीएनए होता है और ना ही कोई आरएनए पाया जाता है। तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इन्फेक्टेड प्रोटीन पार्ट होता है, इन्फेक्शन इन्फेक्टस प्रोटीन पार्ट होता है, उस प्रोटीन पार्ट को ही प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एक और लाइन दे रखी है, वो जो प्रोटीन होता है वो एबनॉर्मली फोल्डेड होता है, बिल्कुल बात सत्य हुई, ठीक है ना, याद रखेंगे अगली बार से आप, ठीक है, डन। फिर देखा वायरस लेके प्रोटीन कोट, बिल्कुल बात है, वायरस जो होता है उसके चारों तरफ कोई प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, इनके जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए वो क्या होता है, विदाउट प्रोटीन कोट होता है भाई ना, उसके अंदर प्रोटीन कोट होता ही नहीं है। और लास्ट में देखा वायरस का तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑलवेज, वायरस जो होता है हमेशा ऑलवेज पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं, अगर बॉडी के बाहर हैं तो वो इनएक्टिव हैं, इनर्ट हैं, लेकिन बॉडी के अंदर हैं तो वो क्या है, एक्टिव हैं, है ना। तो जितने भी वायरस की हम बात कर रहे हैं वो सभी इसी तरह का नेचर फॉलो करते हैं, जो हमने यहाँ पे कुछ पोर्शन पढ़े हुए हैं कि उनका जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल वही इन्फेक्शन शो करता है, चाहे कोरोना ही क्यों ना हो भाई, ठीक है ना। अभी जो कोरोना का कहर चल रहा है कोरोना के बारे में भी ऐसा ही है भाई, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की बात करते हैं, ठीक है। 92 क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, क्वेश्चन आता ही है, मैं आपको वापस बता देता हूं। पिछले वीडियो के अंदर हमने ईटीएस ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सॉरी ईटीएस पे क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर जो आपको इस चैप्टर से पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है ग्लाइकोलाइसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और वहाँ पे हमने ईटीएस सिस्टम वो मिस क्वेश्चन थोड़ा सा देखा था हमने वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन पोर्शन जो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के दो के बीच में जो लिंक रिएक्शन है, और बीच में मतलब पहले ग्लाइकोलाइसिस फिर लिंक रिएक्शन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल यानी कि साइट्रिक एसिड साइकिल, उसके साथ लास्ट में पढ़ते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चारों पढ़ना वो जरूरी है, चारों में से कहीं ना कहीं से दो एक दो क्वेश्चन, एक मतलब दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं सीधी सी बात, उससे ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं, पर दो आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज से, अगर ग्लूकोज से फॉस्फेट का फॉर्मेशन करवाना है तो फर्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, आपको पता है ये सबसे पहली इररिवर्सिबल, इट इज़ द फर्स्ट इररिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, इज ए कैटलाइज बाय द किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, ध्यान सुनना। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसमें पूरे एनसीईआरटी के अंदर हमारे को शुरुआती दौर के अंदर एंजाइम के बारे में दे रखा है, लगभग लगभग एक्टिव फेज की हम बात करते हैं, जब हमारे पास ग्लूकोज ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फेट से फ्रुक्टोज फॉस्फेट की बात करते हैं, फ्रुक्टोज फॉस्फेट से फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेट की हम बात करते हैं, वहाँ तक एंजाइम के बारे में डिस्कस कर रखा है, उसके बाद एंजाइम के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो आपको सिर्फ यहीं तक ही क्या करना है, जो एंजाइम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं, सिर्फ नाम दे रखा है एंजाइम का वो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
तो ग्लूकोज से लेके ग्लूकोज से फॉस्फेट के फॉर्मेशन में किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आपने पढ़ लिया ऑप्शन। देखो एक्सोकाइनेज की बात करते हैं, आपको पता है ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 1 2 3 4 5 6, और इसका अगर कैटलाइज किया जाएगा यानी इसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन की जाएगी तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 4 5 6। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और यहाँ पर अटैच होगा फॉस्फेट इस तरीके से। तो ये जो रिएक्शन जो कैटलाइज हो रही है वो, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पर एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, जुड़ रहा है मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर एक एटीपी क्या हो रही होगी, खर्च हो रही है, और एटीपी से क्या बन रहा है यहाँ पर, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि एक एटीपी यहाँ पर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तभी एक ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ, आपको याद क्या रखना है, जहाँ पर भी एटीपी कंज्यूम या फिर एटीपी का फॉर्मेशन की बात की जाए, या तो एटीपी कंज्यूम हो रही हो या कहीं एटीपी कंज्यूम हो रही हो या एटीपी फॉर्म हो रही हो, तो वहाँ पर एंजाइम हमेशा लगता है, क्या उसको बोलते हैं अपन, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है काइनेस। तो यहाँ पर 6 कार्बन की बात कर रही है इसलिए एंजाइम का नाम ही दे दिया हमने, काइनेस एंजाइम का नाम क्या दे दिया, हेक्सोकाइनेस, सॉरी यहाँ पर इसको बिगाड़ना पड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो एंजाइम का नाम ही दे दिया यहाँ पर हेक्सोकाइनेस। ठीक है, याद रहेगा सबको भी, जहाँ पर एटीपी की बात की जा रही है, चाहे वो कंज्यूम हो रही है या फिर क्या फिर रिक्वायर्ड या फिर फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर बात की जाती है काइनेस की, यहाँ पर 6 कार्बन एटम होता है ग्लूकोज, तो इसलिए यहाँ पर नाम दे दिया गया एंजाइम का हेक्सोकाइनेस। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, हेक्सोकाइनेस होगा। बाकी इनोलेस जो कि आगे पढ़ते हैं बहुत आगे रिएक्शन में, एडोलेस में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, वाकई में सही बात है, फ्रुक्टोस फॉस्फेट हम जो फ्रुक्टोस 1,6-बाई-फॉस्फेट जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये एंजाइम काम में आता है, ये वाला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस की हम बात करते हैं इसके अंदर। तो ये वाला एंजाइम तो एनसेट में दिए भी नहीं था, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको इन दो पे फोकस करना है, यहाँ पर आंसर जो होगा सिर्फ से हेक्सोकाइनेस। ठीक है, आगे होगा मेरे ख्याल से बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 93 क्वेश्चन 11th class 1st chapter लिविंग वर्ड से पूछा गया है। इसके बारे में आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, वो ज्ञान की बात सिंपल सी ये है, जो आपको भी आती होगी कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आ सकता है एक क्वेश्चन आ सकता है, एक से आने ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ये चांसेस जरूर है कि एक क्वेश्चन भी ना आए, एक क्वेश्चन आएगा आएगा तो एक आएगा, बाकी ना भी आए, ठीक है ना, तो बताइए आपको ऐसा हो सकता है, बहुत सिंपल से चैप्टर के अंदर ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो ये हो सकते हैं, एक तो बाइनोमियल नॉमिनल का रूल्स पे क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा आपको जो टेबल दे रही है इसके अंदर मस्का डोमेस्टिका मेंजिफेरा इंडिका ह्यूमन के बारे में, जो होमो सेपियंस एंड द ट्रिटिका स्टिबम वीट के बारे में आपको दे रखा है, तो इसके अंदर पूरा फाइलोजेनेटिक ट्री आपको पूछ रखा है, इसके अंदर फाइलोजेनेटिक नहीं सॉरी गलती होगी मेरे से, टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको पूछ रखी है जिसमें किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, वो सब आपको याद करने के साथ को मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले मैचिंग वाला साथ साथ। ठीक है, पर देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर जाना यह जगह है वो, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का करेक्टली साइंटिफिक नेम क्या होगा, बायोनॉमिकल क्वेश्चन है जिसका जिसके बारे में डिस्क्राइब किसने किया था, कार्लस लिनियस ने किया था अभी। ठीक है, बहुत से बनते होंगे सीधी सी बात, जल्दबाजी में क्वेश्चन करते होंगे सीधी सी बात, और भाई बोलते हैं यस आई कैन डू इट, है ना, मैंने कर लिया, आगे बढ़ते हैं फटाफट बोलते हैं, यहाँ पे सर ने बोला कि 2 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं भाई, प्यास सही है, लेकिन 4 ऑप्शन को पढ़ना भी तो जरूरी है। मेंजिफेरा इंडिका हमने पढ़ा है, बिल्कुल बात सत्य सही है, लेकिन नोमेनक्लेचर रूल को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, पढ़ते भी ऑप्शन एक देर का मेंजिफेरा इंडिका, है ना, ये क्यों नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी नहीं है,
क्योंकि आपको पता है स्पीशीज नेम को हमको क्या लिखना पड़ता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, ओके डन। तो ये तो वैसे गलत हो गया। फिर आता है मैंजीफेरा इंडिका, फिर लिखा CAR डॉट और लीनियस, ऐसे लिखा हुआ है। और एक और देर का मैंजीफेरा इंडिका लीनियस। ठीक है, अभी हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है। जिस साइंटिस्ट ने जिसका नाम सजेस्ट किया है, दिया है, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया, उसका नाम हम आगे स्पीशीज के बाद एब्रीविएट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है LINN डॉट करके। ठीक है, तो उस हिसाब से फर्स्ट ये भी गलत हो गया, थर्ड ये भी गलत हो गया, क्योंकि एब्रीविएट फॉर्म में लिखा जाता है, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो मैंजीफेरा इंडिका LINN डॉट करके लिखा जाता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता फोर्थ वाला, तो हम फर्स्ट वाला राइट करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसलिए सभी ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, तभी टिक करना, कुछ ये भी नहीं तो वो इजी क्वेश्चन आप क्या करोगे, गलत करके आ जाओगे और फिर आपको मजा आएगा, रिजल्ट आएगा तब। ठीक है, तो रिजल्ट का मजा आपको लेना तो ले सकते हैं आप ऐसे। फिर अगर 94 क्वेश्चन की बात करते हैं कि परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नॉन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा हुआ। न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद भी सीड के अंदर बचा रह जाता है, रहता है, वो पूरा खर्च नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, ये एम्ब्रियो की हम बात करें डेवलपमेंट, तो उसके बाहर वाला जो ये एरिया होता है, ये वाला चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। उसके बाहर आपको पता है स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविल बोला जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो से के जस्ट बाहर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का फंक्शन ये होता है, क्या करना, एम्ब्रियो से न्यूसेलस के अंदर फूड रिजर्व रहता है, और ये फूड रिजर्व जो होता है एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो भाई रेयर केस में कहीं कहीं क्या होता है, परसिस्ट कर जाता है, खर्च नहीं होता है, तो जो बच जाता है बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद या सीड के टाइम पर जो बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको, इस पोर्शन को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसके साथ आप इसके एग्जांपल भी याद रखें, बुक में दे रखे हैं अच्छे खासे, और एग्जांपल आपके दे रखे हैं, इसके अंदर बीटल नट दे रखा है, इसके अंदर ब्लैक पेपर दे रखा है, इसके अंदर एग्जांपल कुछ है भाई, है ना, वो कुछ एग्जांपल आप इसके अंदर याद रखें भाई। ठीक है, ओके, कैन स्टार्ट अपन, नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट, इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हाँ भाई, मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरल प्लांट, फ्लोरल प्लांट की बात। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रखा है प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्रेजेंटेशन का मतलब भी आपको पता ही है, अरेंजमेंट ऑफ द प्लेजेंटा इन द ऑविल की हम बात करते हैं, इसको बोलते प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इन विच ऑव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन विच ओव्यूल्स, जिसके अंदर ओव्यूल्स का जो डेवलपमेंट होता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट, या तो बोल सकते हैं इसकी इनर वॉल ऑफ द ओवरी या बोल सकते हैं पेरिफेरल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं इसके अंदर आपको, और अगेन आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला भी है। अगर हम माने इसके अंदर से किसी बात है कि मैं मान लेता हूँ ये हमारी, ये है ओवरी, ओवरी के अंदर ठीक है इस तरह का अरेंजमेंट है कुछ, और यहाँ पर आपको दे रखा है प्लेजेंट, आपने तो प्लेजेंटा मान लेते हैं, सीधी सी बात है प्लेजेंटा, और प्लेजेंटा के अंदर ओविल का जो डेवलपमेंट है, अरेंजमेंट है, इन विच द ओविल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल द ओवरी की हम बात करते हैं,
तो वो कैसा है, पेरिफेरल है। पेरिफेरल मतलब क्या हो जाएगा, या इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे है या फिर पेरिफेरल है। पेरिफेरल का मतलब हो सकता है इधर एकदम वॉल की बात हम कर सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके का कुछ आप मान के चाहिए, इस तरह का होगा, इस तरीके का। ठीक है, और इस तरह का जो पेरिफेरल आउटर साइड आपको दिख रहा है, ये ना बोलते ओवरी में जो ओवल का डेवलपमेंट दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है पेराइटल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ये भी पूछे जा चुके हैं पहले कि पेराइटल प्लेजेंटेशन के एग्जाम्पल चूज करिए, करेक्ट चूज करिए या फ्री सेंट्रल के चूज करिए, आपको इस तरह के भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें हमको क्या करना, बेसल एक्साइल फ्री सेंट्रल पैराइटल के एग्जांपल आपको याद रखे, आपको जाने ही जाने में। ठीक है ना, तो भाई शुरू हो जाओ, जिसको नहीं याद है भाई ट्रिक वाइज, मैंने कोचिंग पे ट्रिक वाइज ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल याद करवाए हैं आपको। ठीक है, आप भूल चुके तो इसको वापस से याद कर लीजिए, ठीक है ना, रटने वाला पोर्शन है। देखा जाए पैरेटल की अगर बात की जाए, पैरेटल के अंदर एग्जांपल कौन से चलते हैं, पैरेटल के एग्जांपल हमने मैं आपको बताया वो सिंपल है, एक तो मस्टर्ड होता है जो कि एनसीईआरटी मेंशन है, एनसीईआरटी के अंदर दो दो एग्जांपल दे रखे हैं, वही आप पढ़ें, काफ़ी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मस्टर्ड और आरजी मून की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से सभी आप याद कर लीजिए, इसके अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 96 मैचिंग वाला, आगे मैचिंग वाला मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं मैचिंग के, और तीसरा क्वेश्चन मुझे लगता है मैचिंग का आपके आया है भाई, मैचिंग करने के बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ किस तरह से मैचिंग करनी है। मैचिंग के लिए आप चूज कर लीजिए फटाफट ए बी सी डी, देखते हैं भाई एक दो करने से हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन ये। ठीक है, अगर आपको आता हो तो, पढ़ा हो तो, ऐसा नहीं पढ़ेगा तो आएगा ना। पहला की बात करते हैं, पहला आता है मोलस्का के अंदर, ठीक है ना, एप्पल बोला जाता है और पहला मोलस्का के अंदर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर चूज करनी है जहाँ की इसे मैच करती है, पहला के अंदर पाया जाता है स्ट्रक्चर का नाम है रेडुला। रेडुला एक ग्रेस्पिंग ऑर्गन है जिसके अंदर टीथ पाए जाते हैं उनके अंदर, और टीथ का काम क्या होता है वहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करना, ग्रेन करने का काम आता है। ठीक है, ये रेडुला काम ये है भी जो पहला मोलस्का के अंदर पाया जाता है। एक का थर्ड भी, एक का थर्ड मतलब एक का सेकंड मतलब, ये तो पहला गलत ही कर लो, बस थे हमारे पास तीन, अभी आगे वो जतन करने बाकी हैं, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, एक का तो थर्ड है। बी बॉम्बिक्स, पता है ना बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स जो होता है बॉम्बिक्स बॉम्बिक्स मोरी, वो आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, और मुझे तो यहाँ पे दिख रही है कौन सी वाली, मेलफिजन ट्यूबल्स विच आर हेल्प इन द एस्क्रेशन, जो आपको पता है मेलफिजन ट्यूबल्स जो होती है वो एस्क्रेशन में काम आती है। ठीक है, यानी बी का क्या जाएगा, बी का जाएगा इसके अंदर फोर्थ, चेक करो फटाफट, बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ है भाई, बी का फोर्थ है, आपका फर्स्ट में आ रहा और फोर्थ में आ रहा, बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। फोर्थ यानी कि फर्स्ट हम पहले गलत चुके कर चुके हैं, इसका मतलब यही हमारा राइट है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी सीधी सी बात है ताकि हमारे से कोई गलती नहीं हो जाए और हमारे को चार नंबर पूरे के पूरा मिले। ठीक है, सी की बात कर ले, प्योर बेंगिया जो होता है वो पाया जाता है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो है टीनोफोरा का, और टीनोफोरा जो होता है सीधी सी बात है बिलोंग करता है कॉम्प्लेट से, कॉम्प्लेट एट कॉम्प्लेट्स पाई जाती है विच हेल्प इन द मूवमेंट, उनकी हम बात करते हैं भाई। ठीक है, तो सी का जा रहा है भाई, सी का सेकंड है, बिल्कुल सही मैच करा है, सी का सेकंड जो हमने ऑप्शन लगा दिया पहले से ही तो बिल्कुल मैच करा, सी का सेकंड है, और बच गया डी, टीना सोलियम प्लेटिहेलमेंट जिससे बिलोंग करता है, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है फ्लैम सेल, और फ्लैम सेल अगेन विच द हेल्प इन द एस्क्रेशन, फ्लैम सेल जो होती है एक्सक्रेशन में ही काम करती है, इसका आंसर फर्स्ट है। तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे उसको वापस से चेक कर लिए, 3421 3421 सही बिल्कुल जा रहा है, फटाफट आंसर लगा दीजिए, कभी आपको गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नहीं तो बहुत जन सबसे गलत करते हैं मुझे पता है भाई। ठीक है, तो ठीक है सरकार, आगे बढ़ते हैं फटाफट 97, इस बार थोड़ा सा मैं फास्ट करता जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है ही ऐसे जो फास्ट आपको लेते चलना पड़ेगा, और जहाँ मुझे लग रहा है मैं आपको समझा भी रहा हूँ
तो 97 क्वेश्चन क्या है सरकार, देखो इसके अंदर हमको क्या करना है, अभी जो दिस फॉलोइंग मेथड्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट की बात करता है, अगेन एक क्वेश्चन हम पॉल्यूशन के बाद देख चुके हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है पॉल्यूशन का। मुझे पता है हमारी जल्द ही मुलाकात होगी तीसरे क्वेश्चन से और पॉल्यूशन के, है ना। इकोलॉजी द मेजर रोल निभाते हैं नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेस्ट को किस तरह डिस्पोजल किया जाएगा, तो पहला तरीका डंप द वेस्ट विद इन बॉक्स अंडर द डीप ओशन, ओशन में डालेंगे अपन। आपको पता है न्यूक्लियर वेस्ट जो ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव एनर्जी इसमें से निकल सकती है, जिसका अगर बाहर निकल गई या किसी कॉन्टेक्ट में अगर कोई आ गया तो म्यूटेशन के चांसेस रहते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है इंसान एनिमल प्लांट्स उन सबके, ना ऐसी तैसी हो सकती है। बिल्कुल हम उसको डीप ओशन में डालेंगे तो क्या 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 आपको लगता है किसी तो न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगी, निकलेगी ना, गलत अभी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस, बिल्कुल बात सही है। हम क्या करते हैं अभी इसको बढ़िया सा उसको पैटी पैक करके उसको इस तरह से कवर करते हैं कि उस रेडिएशन बाहर ना आए, और हम क्या करते हैं जानना कि उसको अर्थ सरफेस बिलो द अर्थ सरफेस लगभग 500 मीटर इतना खट्टा खोद के बड़े करके उसको क्या करते हैं अंदर दबाते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट है। तो आगे पढ़ने की जरूरत थोड़ी सी है, पढ़ लेते हैं क्या तरीका है, इन्होंने क्या मजाक कर रखी, शूट द वेस्ट इनटू द वेस्ट स्पेस। भाई साहब स्पेस में भेजेंगे हम इसके अंदर शूट करेंगे ना, इतनी एनर्जी हम वेस्ट करेंगे क्या, है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है क्या, वापस आना तो नीचे ही है ना। फिर बरी द वेस्ट अंडर द अंटार्कटिक आइस कवर्स, वहाँ पर बरी कर देंगे अभी, मैं कहीं पर बनी करो सीधी सी बात है, लेकिन रेडिएशन तो एमिट हुई होगी और हालत खराब रहेगा, ठीक है, ये भी नहीं ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट है, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, 98 की हम बात करते हैं। 98 के अंदर हमारे पास आ रहा है इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। इन सम प्लांट, किसी प्लांट का ऐसा हमने देखा है कि फीमेल जो गैमेट होती है वो डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बिल्कुल अच्छा सेंटेंस है, फीमेल गैमेट इज डायरेक्ट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट्स कॉल्ड ए पार्थेनोजेनेसिस। इसको नहीं समझाऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस जो टर्म होती है वो एनिमल के लिए भी अप्लाई हो प्लांट के लिए भी अप्लाई होती है, इसी बात है। एनिमल के अंदर हम बोलते हैं डायरेक्टली एक ही कन्वर्ट इन द न्यू इंडिविजुअल, है ना, जो कि लिजार्ट है अपने रोटीफायर टर्की उन सब में ऐसा चलता है भाई, ठीक है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान देने लायक नहीं। पार्थनो का पिक और पार्थोजेनेसिस में भोजन कन्फ्यूजन करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने भी भोजन को देखा। पार्थन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मेरी साउंड सुनाई दे रही है आपको, तो ये इसको बोलते हैं पार्थन कार्पिक, है ना। सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट, सिंग का मतलब होता है फ्यूजन और गेम मतलब गैमेट। ऑटोगेमी पोलिनेशन से वर्ड आया है, सेल पोलिनेशन ऑटोगेमी ट्रांसफर द पोलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। वर्ड नोटिस करने वाला ये है सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेल इन द G0 फेज। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन था, नहीं मतलब बना दिया गया था कि इसमें क्या रखा जाए, लेकिन ध्यान से करना इसके अंदर भाई। G0 फेज क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन अपने एक सेल डिवीजन का पहले भी पढ़ चुके हैं और ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन इस पेपर के अंदर भी, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें भाई, आपको पता है कि ऐसा अगर बनाया जाए तो सबसे बड़ा होता है G1, फिर S, फिर G2 और बाकी बचा हुआ मेन पार्ट है वो, जिसमें हम बोलते हैं डिवाइड प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस और ये फिर बोलते हैं इसको इट इज़ अ साइटोगेनेसिस, ठीक है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इधर की बात कर रहे हैं, इधर G1 फेस, ये S फेस, ये G2 फेस। तो आपको बता दूं यहाँ पर G1 के जस्ट बाद वो वाला G1 नहीं है, ये G1 की बात कर रहे हैं अपन, गैप फर्स्ट। G1 के जस्ट बाद यहाँ पर ये जो फेस होता है S फेस से जस्ट पहले और G1 के जस्ट बाद एक फेस आ सकता है, उसको बोलते हैं G0 फेस। G0 के नाम और क्या सकते हैं, इसको हम रेस्टिंग फेस ही बोलते हैं। भाई साहब रेस्टिंग का मतलब क्यों बोलते हैं इसको अपन, इसको हम बोलते हैं ना रेस्टिंग फेस, रेस्ट कर रहा है, या हम बोलते हैं क्वेश्चन फेस, यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा।
बोला सेल इन द जी जी ऑफ फेस क्या होता है, क्या वो सस्पेंड होता है, क्या वो टर्मिनेट होता है, एग्जिट होता है या एंटर होता है। पहले अपन तो गलत करना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, क्यों आंसर है भाई ये एंटर द सेल साइकिल, ये तो बकवास हो गई। ठीक है बस स्टेप तीन, तीन में क्या हुआ टर्मिनेट सेल साइकिल मतलब सेल साइकिल को रोक देता है, बिल्कुल ही रोक जाता है भाई। इसको भी गलत कर लो, कन्फ्यूजन जो आया होगा दो के अंदर, किसी ने फर्स्ट लगाया और किसी ने थर्ड लगाया। अब देखो सस्पेंड सेल साइकिल क्यों नहीं होगा, सस्पेंड की हम बात करते हैं। ठीक है देखो टर्मिनेट का मतलब ये होता है सेल साइकिल को रोक देगा, ऐसा थोड़ा था, जीरो साइकिल का मतलब ये इसको रोक देगा। ठीक है सस्पेंड सेल साइकिल क्यों नहीं होगा, सस्पेंड करना मतलब ये कि इसका मतलब ये हो जाएगा कैसे खत्म करना बोल सकते हैं कि रोक देना बिल्कुल ही, सस्पेंड मतलब सस्पेंशन में चला जाना, रोक देना सीधी सी बात है। सस्पेंशन का मतलब होता है वही कि लॉन्ग टाइम तक उसके ऊपर क्या करना वहीं रोक देने की बात करते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको बता दूं जी जीरो जो फेस होता है सीधी सी बात है वो कभी भी सीधी सस्पेंड नहीं करता और ना ही टर्मिनेट करता सेल साइकिल को। जी जीरो फेस जो होता है पर्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग में जाता है या क्वेश्चेंट यानी चुप हो जाता है, सीधी सी बात है क्वेश्चेंट की बात करते हैं, रुक जाता है थोड़ा सा या रेस्टिंग होता है रेस्ट में चलाता है, और आने वाले टाइम के अंदर सीधी सी बात है ये वापस से प्रोसीड कर सकता है एस फेस के अंदर जा सकता है, यानी जाएगा ही जाएगा सीधी सी बात है आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना। तो वो क्या करता है सेल साइकिल को क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है कुछ टाइम के लिए, क्या कर रहा है वो एग्जिट कर रहा है कुछ टाइम के लिए और वापस आने वाले टाइम के अंदर क्या करेगा वो एस फेस में आएगा। आपको पता है एस फेस वो फेस होता है अगर एस फेस में कमिटमेंट हो गया कोई सेल, यानी कि अब सेल डिवीजन हो गई होगा वो होता है एस फेस। ठीक है तो जी जीरो मतलब रेस्टिंग या क्वेश्चन फेस, इसको हम बोल सकते हैं एग्जिट द सेल साइकिल एंड एग्जिट कर रहा है उस दौरान, बाद में वापस से इसके चांसेस हैं किसमें एस फेस में आने के। वैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हमारे पास आपने पढ़ा होगा परमानेंट टिश्यू पढ़ाएंगे प्लांट के अंदर, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं सिंपल आपने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होता है टेम्परेरी क्या होते हैं वो से टेम्परेरी अपने अंदर सेल डिवीजन की जो पावर है उसको लूज कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वापस वो पावर को गेन भी कर लेते हैं और सेल डिवाइड भी करते हैं, यानी मेश में टिश्यू के अंदर कन्वर्ट भी होते हैं। तो आपको पता है सिंपल परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके आगे कोर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम इन सबका फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या कर रहे हैं वो एक जी जीरो फेस साइकिल है, वो सब क्या है जी जीरो फेस साइकिल्स में आ चुके हैं और कुछ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन वापस से क्या करते हैं वो सेल साइकिल को प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, इसलिए एग्जिट द सेल साइकिल इज द बेस्ट आंसर। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। 100 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, देखो यार वापस से क्वेश्चन करेक्ट की बात कर रहा है, करेक्ट आपको चूज करना माइंड में सेटअप कर लो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन रिप्स पे, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन रिपीट टाइप मान सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन आया है बॉन्ड्स। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जिसमें बनता दोनों का एक एक क्वेश्चन है, बनाने की बात करें कि एक क्वेश्चन बोन से दे दो एक क्वेश्चन मसल से दे दो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है बोन से दे दिया मसल से नहीं दिया, मसल से दिया तो बोन से नहीं दिया, ऐसा भी नहीं, क्वेश्चन एक तो आना है आता ही आता है सीधी सी बात है, लेकिन चांसेस ऐसे बनते हैं तो दोनों दे देंगे या एक को छोड़ देंगे या एक को दे देंगे। ठीक है क्वेश्चन आया रिप्स के ऊपर, रिप्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको यहीं पे बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पे रफ डायग्राम के फॉर्म में क्या कर देता हूँ एक शो कर देता हूँ यहाँ पे कुछ भावना समझे आप मेरी एक बार, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम कुछ इस तरह का जा रहा है। ये मैंने पोर्शन बनाया अपना फ्रंट वाला पोर्शन है, स्टर्नम वाला पोर्शन है, मैनुब्रियम वाला पोर्शन वाला ही पोर्शन है, आगे वाली बोन से आपको पता है यहीं से अटैच होती है। टोटल 12 पेयर ऑफ रिप्स पाई जाती हैं, टोटल पाई जाती है 12 पेयर ऑफ रिप्स, इसमें सबने मान सकते हैं जो अटैच 1 2 3 4 5
N6, ठीक है। उसके बाद जो सेवन होती है वो ऐसे होती है, 7, 8 और 9 ऐसी होती है, और जो 10, 11 जो होती है वो ऐसे हवा में लहरा रही होती है ना। हवा में लहराना मतलब सीधी सी बात है, वो फ्लोट कर रही होती है सीधी सी बात, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमारे साथ मिस्टेक हुई है, हमारे को यहाँ पर एक और बनानी है, तो मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10 जो इस से होती है, 11 पर ऐसी होगी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ जाएंगे आप जो मैं अभी लिखना चाहूँ। मेन मेन चीज़ें लिख लेते हैं, ये 11 है, ये 12 है, ये आपकी जाएगी 8, 9, 10, ये आपकी जाएगी 7 यहाँ पर, ये आपकी 8, 9 और 10, ठीक है। पहला ऑप्शन, इच रिब्स इज अ फ्लैट थिन बोन्स, इच रिब्स इज अ फ्लैट थिन बोन, बिल्कुल सही बात है, सारी जो रिब्स होती है वो फ्लैट थिन बोन्स ही होती है। ऑल द रिब्स, सारी सारी जो रिब्स होती है वो आर कनेक्टेड डोर्सली टू द थोरेसिस, वर्टिब्रेट से क्या होंगे कनेक्ट होती है, एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। देखो भाई यहाँ पर ये बात तो सही है यहाँ तक, लेकिन बोल रहा है कि उसके साथ है ये आगे वेंट्रली स्टर्नम से भी अटैच होती है, लेकिन आप साफ तौर से डायग्राम को देखें सही सारी वेंट्रली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ 7 तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी 8, 9, 10 ये तीनों तो इनडायरेक्टली क्या है 7 से पहले कनेक्टेड, फिर वो क्या है अटैच हो रही है स्टर्नम से, तो ये इनडायरेक्टली कनेक्ट टू द 8, 9, 10 इनडायरेक्टली कनेक्ट टू द स्टर्नम आपको दिख रही है, ठीक है। 11, 12 तो बिल्कुल भी नहीं है, पहला ऑप्शन गलत, मैं बता चुका हूँ पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ध्यान सुनना भैया, ठीक है। सेकंड बोला जा रहा है इसके अंदर, देर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रा स्टर्नम, देर आर 7 पेयर्स ऑफ द वर्टिब्रा स्टर्नम। भाई ये जो आपको जो बोन्स होती है एक से लेकर सेकंड तक, ये वाकई में इसको अपन वर्टिब्रो स्टर्नल बोला जाता है, क्योंकि बैक साइड जो होगा डोर्सली जो होगा वर्टिब्रो कॉलम से अटैच होती है, एंड आगे से जो होती है वो सीधी स्टर्नम से अटैच होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट दे रहेगा 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ट्रल, इसके अलावा 3 जो पेयर होती है वो वर्टिब्रो कॉन्ट्रल होती है, यानी कि 8, 9, 10 की बात कर रहा है, 8, 9 जो 10 होती है वो क्या होती है वर्टिब्रो कॉन्ट्रल, यानी मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ VC से, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वर्टिब्रो कॉन्ट्रल इसलिए बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ सीधी सी बात है ये बैक साइड से जो होती है डायरेक्टली वर्टिब्रो कॉलम से अटैच होती है, लेकिन आगे से स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती, वो 7 के द्वारा इनडायरेक्टली अटैच होती है, किसके साथ स्टर्नम के साथ, ठीक है। तो ये बात भी सही है बिल्कुल, 3 पेयर होता है वर्टिब्रो कॉन्ट्रल एंड 2 पेयर एंड टू पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स, 2 पेयर जो होती है वो वर्टिब्रल रिब्स बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स बोला जाए ऑफ वर्टिब्रल रिब्स बोला जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है आगे से इस तरह से होती है, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक को फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना कि आगे से बिल्कुल किसी से अटैच नहीं होती, ना डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, इसलिए हम इसको वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं या कि फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। सेकंड लाइन बिल्कुल सत्य कही गई है, टिक कर लो। 8, 9, 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, 8, 9, 10 डायरेक्टली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम कहाँ हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है भाई, है ना, हमने पढ़ लिया है इसको, गलत करो फटाफट। 11, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, 11, 12 जो होती है वो क्या होती है रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, ये तो यहीं पे गलत हो गया भाई, है ना, विद द हेल्प ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है कि आपको जो ऊपर की बोन दिख रही है 1 to 7 जो कि डायरेक्टली अटैच स्टर्नम के साथ, स्टर्नम से अटैच होने के लिए यहाँ पे इनको जरूरत होती है किसकी, हाइलिन कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है, सीधी सी बात है उससे आगे अटैच होती है, ये बात सत्य है। लेकिन पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट थर्ड और फोर्थ गलत है, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, इतना मैं आपको मैंने समझा है, लेकिन 5 सेकंड में वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है इसका मैचिंग वाला, और मुझे लगता है मैचिंग वाला क्वेश्चन कौन सा आई है, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास मैचिंग वाला आया है।
मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, सारे ऑप्शन जो है हमारे हिसाब से लगभग लगभग एनसीईआरटी से मैच करने वाले हैं। इसको करने का सबसे सरल तरीका और सबसे फास्ट तरीका हम फटाफट क्या कर लेते हैं, इसके अंदर ए बी सी डी, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं याद होगा, बाकी जिसने पढ़ा वो जल्दी फटाफट कर लेगा, बाकी आप जाना भी है ना। एक ही बात करते हैं होमिनिड्स भाई, सबसे पहले आपको भी सिक्वेंस याद होना चाहिए पूरा पूरा इसके अंदर की भाई किस तरह से एक फाइलोजेनेटिक ट्री चलता है, इसके अंदर किस तरह सिक्वेंस है इसका पूरा पूरा, एंट्रायोपिथिका इस्लामोपिथिका शिवापिथिका ऑस्ट्रलोपिथिका जो हम पढ़ते हैं, हेबिलस एरेक्टस है ना, पैकिंग मैन वाला पोर्शन है, उसके बाद अपने नियंडरथल है, कोमैग्नन है, और उसके बाद आता अपने पास होमो सेपियंस सेपियंस की बात करते हैं। तो ये याद होगा तो आप अच्छे से कहते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या क्या डायरेक्टली आपको यहाँ पर दे रखे अच्छे खासे कि होमो हैबिलस जो है उसका ब्रेन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, सीधे ब्रेन साइज क्या होनी चाहिए, ए का हम सीधा सा लगाएंगे इसके अंदर ऑप्शन क्या जा रहा होगा, क्योंकि होमो हैबिलस बहुत पहले आते हैं सभी के जो नाम दे रखे हैं उससे पहले, तो हम ये मैच करेंगे 650 सीसी की हम बात करते हैं, कैरल कैपेसिटी एकदम मैच करती है हमारे पास इसके साथ है ना। नहीं एक का थर्ड है, एक का थर्ड इसका मतलब सेकंड है ही नहीं, तीन दे रखे आपको, एक का थर्ड है, फर्स्ट थर्ड है, फोर्थ, अभी इसको मैच करना है। एक चलो मिल गया, थोड़ी सी हमारे क्या मिली है सफलता मिली यहाँ पर, लेकिन दूसरे को मैच करते हैं, दूसरे को मैच करने से पहले तीसरे को मैच कर लेते हैं क्योंकि सिक्वेंस से चलते हैं तो मजा आएगा। होमो हैबिलस एंड होमो इरेक्टस ऐसे टीम साफ तौर पर रखा है इसके अंदर 900, ठीक है, यानी सी को चेक कर लो, सी का क्या चल रहा है, अच्छा ए का क्या चल रहा था, ए का चल रहा है थर्ड, सी का क्या चल रहा है फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट हमारे को दे रखा दो के अंदर, यानी एक फर्स्ट में दे रखा है और दूसरा फोर्थ में दे रखा है, यानी थर्ड में नहीं दे रखा है, थर्ड में नहीं दे रखा इसका मतलब कार्ड दो है ना, क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई हमारी। सी का आ रहा है फर्स्ट, अब सी का फर्स्ट हमारे पास जा रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा द्वंद चलेगा हमारा यहाँ पे कि होमो नियंडरथेलेनिस और होमो सेपियंस के अंदर क्या रखा जाए, ठीक है ना। बहुतों ने इसी में थोड़ी सी गलती की है कि वाकई में देखा जाए अगर एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो किया जाए तो लगभग लगभग इन दोनों का बराबर ही रहता है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। तो हम ये सोचते हैं सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि हाँ नियंडरथल पहले आता है, होमो सेपियंस बाद में आता है, ओब्वियसली होमो सेपियंस कितना होना चाहिए भाई, ए डी टी का फोर्थ होना चाहिए भाई, है ना, मेरे ख्याल से ऐसा होता होना चाहिए, और सभी लोगों ने ऐसा सोच के यहाँ पे बहुत नहीं गलत भी किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, होमो सेपियंस की कैरल कैपेसिटी जो होती है वो क्रोमैग्नन या नियंडरथल की बात करते हैं, मेनली नियंडरथल से थोड़ी सी कम होती है सीधी सी बात, ठीक है। तो होमो नियंडरथल जाएगा लगभग लगभग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है आपको 1400 सीसी आपको ये दिया हुआ है अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा और होमो सेपियंस जो होगा वो यहाँ जाएगा, ये बी का जाएगा यहाँ पर फोर्थ और डी का जाएगा यहाँ पर सेकंड। 3412 फिर आप पढ़ो 3412 3412 3412 ये आपका आंसर राइट, ठीक है। जल्दबाजी में गलत हो सकता है लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगे आपको करना आए तो करना चाहिए आपको मेरे ख्याल से, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1400 और 1350 इस तरह से भी, ठीक है। आई होप आप ऐसे ही करेंगे, इस तरह क्वेश्चन लगे और इवोल्यूशन क्वेश्चन एक आने के चांसेस रहते हैं अच्छे खासे, कैपेसिटी और उसकी फूड हैबिटेट्स के स्पेशल फीचर्स पर क्वेश्चन आपको दे दिए पूछे जा सकते हैं भैया, ठीक है। फिर आता हमारा क्वेश्चन 102, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं अपन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी नहीं है सॉरी, बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम एज ए मेजर, एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन वॉज एक्सप्लेन बाय, भाई सीधी सी बात है लिंकेज रिकम्बिनेशन का जो क्रेडिट जो होता है सीधी सी बात है वो जाता है टी एच मॉर्गन को, यानी थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। लेकिन जीन्स के बीच में, जीन्स जो पेयर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस को मेजर करके उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का पता लगाने वाला बंदा
टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट ही था जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वैंड की हम बात करते हैं, ठीक है। सबको क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया, सीधी सी बात है कि वो डिस्टेंस के बेसिस पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जीन्स पेयर के एक सेम क्रोमोसोम पर, वो आपको बताना था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वैंड। जल्दबाजी में टीएच मॉर्गन लगा के भी भोजन आए थे, मैंने ये भी देखा हुआ है ना फ्रिक्वेंसी ऑफ इसके, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर 103, बात कर रखी यहाँ पे कोलोस्टम मिल के बारे में, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो कोलोस्टम द येलोइश फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज अ वेरी एसेंशियल टू इम्यूनिटी, बिल्कुल बात सही, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन है, भाई इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसके अंदर पाई जाती है एक इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है IgA, ठीक है IgA बोला जाता है। बाकी हमारे पास जो पांच तरह की एंटीबॉडी पाई जाती है उसका आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं GAMDA, ठीक है ना, आप ठीक याद रखें GAMDA। तो पांच तरह की एंटीबॉडी जो होती है वो इस तरह की होती है, GAMDA बोल सकते हैं इसके में, ठीक है ना। जी वाली होती है प्रेजेंटर को क्रॉस करने वाली, ए वाली कोलोस्टम, ए जो होती है फर्स्ट इन्फेक्शन के टाइम पे होती है वो ये होती है, ठीक है। डी जो होती है जो ब्लड में पाई जाती है भाई, एंटीबॉडी की बात करते हैं, ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट बनाती है, और ई जो होती है इसे एलर्जी के अंदर जो काम आने वाली जो होती है, ठीक है। मैंने ये सब पढ़ाया हुआ कोचिंग के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है सरकार, ठीक है। 104 की हम बात करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंसनट्रेट यूरिन की बात करते हैं। कंसनट्रेट यूरिन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे भाई, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो इसको ना। पहला तरीका सिक्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोएटिन बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, उससे पहले मैं बात करूँ, अगर बात कर रहे हैं ना कंसनट्रेटेड यूरिन की, तो आपको ध्यान जाना चाहिए एक मैकेनिस्ट की तरह जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। उस काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर जो मैकेनिज्म चलती है वो दो के बीच में चलती, एक चलती है वासा रेक्टा, बुक में डायग्राम दिया हुआ है, और दूसरा जो पाई जाती है उसके अंदर हैंडेस लूप, वो भी किसका, जक्स्टा ग्लोमुलर नेफ्रॉन की बात करते हैं। ध्यान सुनना, कंसनट्रेट यूरिन के लिए जक्स्टा ग्लोमुलर नेफ्रॉन रिक्वायरमेंट होता है, ना कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, जक्स्टा ग्लोमुलर नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए मोस्टली काम में आता है, जिसकी साइज छोटी होती है, हैंडलेस लूप जो होता है वो शॉर्ट साइज होता है। लेकिन जक्स्टा ग्लोमुलर जो नेफ्रॉन होता है उसका हैंडलेस लूप जो होता है लॉन्ग साइज का होता है, और जितना लॉन्ग साइज हैंडलेस लूप होता है वही रिक्वायरमेंट होता है कंसनट्रेट यूरिन के लिए। बुक में डायग्राम आप देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई पहला ऑप्शन आपको देगा सिक्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन, आपको पता है एरिथ्रोपोएटिन जो होता है बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो ये कंसनट्रेट यूरिन के लिए काम थोड़ा आता है, ये काम तो किसके लिए करेगा, ये काम करता है किसके लिए, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए काम करता है, ये नहीं करेगा, इसको गलत करो, ठीक है। फिर देखा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है वो काम करेगा, ये क्यों काम करेगा भाई, ये तो काम किस में करता है, ये फिल्ट्रेशन में काम करता है ये वाला प्रेशर, ठीक है ना, ये सब पढ़ा हुआ मैंने कोचिंग का, तो ये भी ऑप्शन गलत। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है तो लो लेवल ऑफ एंटी डायरेक्टिव हार्मोन, आपको पता है ना एंटी डायरेक्टिव हार्मोन को हम शॉर्ट में बोलते हैं ADH हार्मोन। अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, ध्यान सुनना है, ही बोल रहा ऑप्शन लो लेवल हो जाए, तो लो लेवल अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाटर प्लस सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, लो कर देगा। अगर लो कर देगा सीधी सी बात है तो यूरिन जो होगा सीधी सी बात वो कंसनट्रेटेड नहीं होगा, वो कैसा होगा, डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट हो जाएगा,
तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है कि एडीएच हार्मोन की कमी जो होती है वो यूरिन को डायल्यूट बनाती है, ठीक है ना। तो बची हमारे पास कौन सा लास्ट पोर्शन, इसको बिना पढ़े मैं राइट कर दिया लेकिन पढ़ लेते हैं। मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलरिटी, मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटेस्टाइन इन द किडनी, बिल्कुल सही बात है। हाइपर ऑस्मोलरिटी जो होती है वही क्या करती है, काम करती है। आपने देखा बुक में डायग्राम दे रखा है, आज के आज बुक में डायग्राम देख लो जिसके अंदर 300, 600, 900 एंड 1200 एक ऑस्मोलरिटी को शो कर रखा है नीचे की तरफ। और ये जो रीजन आपको दे रखा है बुक के अंदर, आपको इससे मेंशन भी कर रखा होगा इस तरह से, और वो रीजन कौन सा वाला है, वो रीजन आपके इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम वाला है होता है भी, है ना। तो जो हाइपर ऑस्मोलरिटी जो आपको दिख रही है नीचे की तरफ 300, 600, 900, 1200 यही मेन कारण होता है यूरिन को कंसंट्रेट बनाने का काम करता है, कितना 4 times मोर कंसंट्रेट बनाने का काम ये करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं आपके सामने 105, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पॉल्यूशन से पूछा गया है। पॉल्यूशन से इस बार क्वेश्चन की थोड़ी सी भरमार दिख रही है मेरे को, ये शायद मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ शायद तक, और आगे और भी क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम फॉर द रिड्यूसिंग, ध्यान सुनना, रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन टू एटमोसफियर, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल जो लागू किया था और जो कि सीएफसी के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जिम्मेदार था, मतलब जिसके लिए बनाया गया था बेसिकली। सीएफसी जिम्मेदार होता है किसके लिए, होती डिप्लेशन के लिए, बताने की होती है सबको पता है, ठीक है। तो भाई सीधा सा आंसर इसका जो क्या आ जाएगा, मॉनिटर प्रोटोकॉल। मॉनिटर प्रोटोकॉल को क्या किया गया था, इसलिए बनाया गया इस एक्ट, ताकि हम सीएफसी के प्रोडक्शन को एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। आपके अंदर गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल ना तो ये एनसीईआरटी में, नहीं तो जेनेवा प्रोटोकॉल एनसीईआरटी में, क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखनी जो थी चाहे एनसीईआरटी में आपको ये देर का। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है मेनली वो होता है मेनली CO2 को रिड्यूस करने के लिए, आपको पता है CO2 जो होता है कितना सफिट के लिए जिम्मेदार होता है, तो CO2 एमिशन रिड्यूसिंग के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया भाई, ठीक है ना। तो आई होप आज का सेशन यही खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। आज थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा भी रखी थी क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा समझाने वाले नहीं थे, बहुत सिंपल से थे। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो उस तुरंत आप उस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि आप इसका मतलब ये है कि आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो उस वो टॉपिक पढ़ें समझें, फिर भी ना आए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स बनाने हैं और आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ाने हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लेक्चर्स को सुनने के लिए, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, एंड स्टे होम एंड सेफ एट होम, है ना, क्योंकि बिकॉज कोरोना कहर, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन।